दोस्तों आज के इस वीडियो में हम Samsung Galaxy M01 का फुल रिव्यू करने वाले हैं और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये फोन परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है साजिद सैफी और मेरे चैनल टेक्निकल सैफी में मैं आप सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप देखें मेरे पास Samsung Galaxy M01 है और आज की इस वीडियो में हम इसी का फुल रिव्यू करने वाले हैं। और दोस्तों मेरे पास जो ये मॉडल है ये 3GB रैम और 32GB रैम वाला मॉडल है, जैसा कि आप बॉक्स पर देख भी सकते हैं। चलिए दोस्तों अब फटाफट जल्दी से हम इसके रिव्यू की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों शुरुआत करते हैं हम इसकी डिस्प्ले से। तो दोस्तों सबसे पहले अगर इसकी डिस्प्ले क्वालिटी की अगर बात की जाए तो इसकी डिस्प्ले क्वालिटी मुझे एकदम से बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। Samsung Galaxy M01 के अंदर आपको जो डिस्प्ले क्वालिटी दी गई है वो काफ़ी ज़्यादा लो दी गई है। इसके अंदर जो पैनल दिया गया है वो TFT पैनल है। और दोस्तों अगर यहाँ आउटडोर की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, अगर आप इनडोर की बात करें तो इनडोर में भी आपको डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेकार देखने को मिलती है। इसकी जो ब्राइटनेस है आपको बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगी इस फोन के अंदर। दोस्तों Samsung Galaxy M01 के अंदर अगर आप किसी भी गेम को खेलते हैं तो गेम खेलने के दौरान आपको काफ़ी सारी दिक्कत होती है डिस्प्ले क्वालिटी को लेकर, क्योंकि आपको काफ़ी सारा अंधेरा अंधेरा सा दिखाई देता है। और वहीं अगर आप वीडियोज या फोटोज को देखते हैं या कैमरे से किसी भी फोटो को क्लिक करते हैं तब भी आपको काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं। और दोस्तों आपको लगता है कि आपने जो भी फोटो क्लिक की है उसकी क्वालिटी बेकार है, पर दोस्तों सही बात यह है कि आपके फोन की डिस्प्ले क्वालिटी जो है वो ऑलरेडी पहले से ही बेकार है। तो दोस्तों आपको सारी चीज़ें इसके अंदर बेकार सी महसूस होती हैं। तो दोस्तों डिस्प्ले के मामले में ये फ़ोन एकदम से मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एंड दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो दोस्तों इसकी जो बिल्ड क्वालिटी की अगर बात की जाए तो इसकी बिल्ड क्वालिटी वो भी मुझे इतनी बेहतर नहीं लगी। दोस्तों इस फोन के अंदर जो मटेरियल यूज़ किया है वो मोस्टली प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। अगर इसके बैक पैनल की बात की जाए तो इसका बैक पैनल एकदम से फुली प्लास्टिक का बना हुआ है। और दोस्तों अगर इसकी प्लास्टिक की बात की जाए तो मुझे प्लास्टिक की क्वालिटी भी इतनी ज़्यादा शानदार नहीं लगी, क्योंकि आजकल तो काफ़ी सारे ऐसे फ़ोन आते हैं उनके अंदर प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है लेकिन दोस्तों वो देखने में एकदम ग्लास बॉडी जैसे लगते हैं। लेकिन Samsung Galaxy M01 इसके अंदर प्लास्टिक का ही यूज़ किया गया है और ये देखने में भी एकदम प्लास्टिक के जैसा ही लगता है और प्लास्टिक भी मुझे बहुत ज़्यादा चीप क्वालिटी की लगती है। तो दोस्तों यहाँ बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी मुझे ये फ़ोन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एंड दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं डिज़ाइन के मामले में। तो दोस्तों अगर डिज़ाइन की बात की जाए तो मुझे डिज़ाइन के मामले में ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। दोस्तों अगर आप इस फोन को अपने हाथ में होल्ड करते हैं तो होल्ड करने के दौरान आपको काफ़ी अच्छी फीलिंग आएगी और इसकी जो ग्रिप है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की आपको देखने को मिल जाएगी। और वैसे भी दोस्तों इस फोन के अगर साइज़ की बात की जाए तो इसका फोन का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। इसके अंदर आपको 5.7 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि HD+ डिस्प्ले है, तो जिसकी वजह से इसके अंदर जो डिस्प्ले क्वालिटी मिलती है वो हमें काफ़ी ज़्यादा बेकार डिस्प्ले क्वालिटी मिलती है। खैर इसकी डिस्प्ले क्वालिटी का जो मेन रीज़न है वो इसका TFT पैनल है। अगर इसके अंदर IPS पैनल होता तो ये फोन काफी बेहतर होता। दोस्तों यहाँ अगर डिजाइन की बात की जाए तो डिजाइन के मामले में मुझे ये फोन काफी ज्यादा पसंद आया। और दोस्तों अगर इसकी वेट की बात की जाए तो इसका वेट जो है एकदम से नॉर्मल है, इतना ज्यादा हैवी है ना ज्यादा लाइट है। एंड दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं सिक्योरिटी के बारे में। तो दोस्तों Samsung Galaxy M01 के अंदर आपको सिक्योरिटी के नाम पर फिंगरप्रिंट का कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। इसके अंदर आपको फेस लॉक मिल जाता है, तो दोस्तों फेस लॉक भी इतना बढ़िया काम नहीं करता है। तो दोस्तों सिक्योरिटी के मामले में भी ये फोन काफी पीछे रह जाता है। एंड दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं इसके स्पीकर के बारे में कि मुझे इसकी स्पीकर की क्वालिटी कैसी लगी, यानी कि इसकी साउंड क्वालिटी मुझे कैसी लगी। तो दोस्तों अगर Samsung Galaxy M01 की अगर साउंड क्वालिटी की बात की जाए तो मुझे साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेकार लगी। दोस्तों आपको Samsung Galaxy M01 के अंदर जो स्पीकर का आउटपुट मिलता है वो बहुत ज़्यादा खराब मिलता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि इसका स्पीकर जो है वो बैक में दिया गया है। अगर आप इसके अंदर कोई भी गेम खेलते हैं तो गेम खेलने के दौरान जब आप इसको होल्ड करते हैं तो आपका जो स्पीकर है वो ब्लॉक हो जाता है और आपको जो है वो आवाज़ सुनाई नहीं देती है। और दोस्तों मैंने वहीं एक बात नोट की, जब मैं इसके अंदर कोई भी वीडियो देखता हूं और जब वीडियो देखने के दौरान मैं अपने फोन को इस तरह से रख देता हूं तो दोस्तों मेरे फोन की जो आवाज़ है वो टोटली ब्लॉक हो जाती है और उससे मुझे काफ़ी सारी दिक्कत देखने को मिली। वैसे भी इस फोन के अंदर हमें आवाज़ जो है वो काफ़ी कम देखने को मिलती है और दोस्तों उसके बावजूद भी यहाँ स्पीकर जो है वो बैक पर दिया है, तो इसकी वजह से इस फोन की आवाज़ आपको और भी ज़्यादा कम सुनाई देगी। तो दोस्तों स्पीकर के मामले में भी ये फोन जो है काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाता है। मुझे इसकी स्पीकर की साउंड क्वालिटी वो भी ज़्यादा बढ़िया नहीं लगी। एंड वहीं दोस्तों अगर इसकी हेडफोन की जैक की अगर बात की जाए तो हेडफोन जैक आपको इसमें ऊपर की तरफ देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अगर हेडफोन जैक की अगर क्वालिटी की बात की जाए तो दोस्तों हेडफोन के अंदर आपको नॉर्मल साउंड क्वालिटी सुनने को मिल जाएगी, तो वो एक्सेप्टेबल है। एंड दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं कैमरे के बारे में। तो दोस्तों अगर कैमरे की बात की जाए तो Samsung Galaxy M01 के अंदर आपको 13 MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है और 2 MP का डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ कैमरे के मामले में मुझे ये फोन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और दोस्तों इसकी जो कैमरा क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा
सही लगी। दोस्तों आपके साथ मैं स्क्रीन पर कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ जिन्हें मैंने कैप्चर किया है इसी फोन से, जिन्हें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी कैमरा क्वालिटी मुझे कैसी लगी, और आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि इसकी जो कैमरा क्वालिटी है वो आपको कैसी लग रही है। खैर दोस्तों मैं पर्सनली अपनी बताऊँ तो मुझे इसकी कैमरा क्वालिटी सही लगी, ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा लो है, मीडियम इसकी कैमरा क्वालिटी मुझे लगी। और दोस्तों अगर इसके फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो फ्रंट में आपको इसके अंदर 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। तो दोस्तों अगर फ्रंट कैमरे की क्वालिटी की बात की जाए तो फ्रंट कैमरे में अभी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर दोस्तों इसका फ्रंट कैमरा मेरे हिसाब से थोड़ा और बेहतर होना चाहिए था। एंड फाइनली दोस्तों अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M01 के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 439 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों मेरे हिसाब से काफी ज्यादा स्लो है। अगर दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M01 के अंदर अगर आप पबजी गेम खेलते हैं तो पबजी गेम खेलने के दौरान आपको काफी सारे लैग का इशू देखने को मिलेगा, और भी काफी सारे इशू आपको फ्रेम ड्रॉप वगैरह जो है इस तरह की काफी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो दोस्तों अगर आप इस फोन के अंदर गेम खेलने की सोच रहे हैं इस फोन को परचेस करने के बाद, तो वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि दोस्तों इसके अंदर आप हैवी गेमों को आप काफी अच्छे से नहीं खेल सकते। एंड दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं इसके स्टोरेज के बारे में कि इसके जो अंदर जो स्टोरेज दिया गया है उसकी क्वालिटी कैसी है। तो दोस्तों अगर इसके स्टोरेज की बात की जाए तो सैमसंग गैलेक्सी M01 के अंदर जो स्टोरेज दिया है 32 GB का इंटरनल स्टोरेज दिया है, जिसमें से आपको 22 GB तक का फ्री मिल जाता है। खैर दोस्तों आप फाइनली बात करते हैं कि इसके अंदर जो आपको स्टोरेज की क्वालिटी मिलती है वो कैसी मिलती है। तो दोस्तों इसके अंदर जो आपको स्टोरेज की क्वालिटी मिलती है वो नॉर्मल EMMC क्वालिटी देखने को मिलती है, इसके अंदर आपको UFS का स्टोरेज देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों इस हिसाब से इसका जो स्टोरेज है वो थोड़ा सा स्लो है। एंड दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं इसकी रैम के बारे में। तो दोस्तों अगर इसकी रैम की क्वालिटी की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 3 GB की रैम दी गई है, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि सैमसंग ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चालाकी दिखाई है, क्योंकि सैमसंग ने इसके अंदर जो रैम दी है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी रैम है, जो कि LPDDR3 रैम है। और दोस्तों यहाँ 3 GB रैम में से आपको केवल 50% रैम ही यूज़ के लिए मिलती है। तो दोस्तों इस हिसाब से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो हमें काफ़ी ज़्यादा स्लो देखने को मिलती है। दोस्तों इस हिसाब से हमें सैमसंग गैलेक्सी M01 के अंदर जो परफॉर्मेंस मिलती है वो इतनी ज़्यादा बेहतर देखने को नहीं मिलती है। एंड दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं फ़ोन की बैटरी के बारे में कि फ़ोन की बैटरी मुझे कैसी लगी। तो दोस्तों अगर इसके फ़ोन की बैटरी की बात की जाए तो सैमसंग गैलेक्सी M01 के अंदर आपको जो बैटरी दी गई है वो 4000 mAh की बैटरी दी गई है। और दोस्तों अगर इसके बैटरी बैकअप की बात की जाए तो इसके अंदर आपको काफ़ी कमाल का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है, और इसकी जो बैटरी क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। एंड दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M01 के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो ये इस फ़ोन का एक ड्रॉबैक हो सकता है। बट दोस्तों इसकी जो चार्जिंग स्पीड है वो आपको नॉर्मल चार्जिंग स्पीड दी गई है, तो दोस्तों आपका फ़ोन जो है एकदम नॉर्मल तरीके से चार्ज होता है। लेकिन दोस्तों बैटरी बैकअप जो जैसा कि मैंने आपको बताया, बैटरी बैकअप मुझे काफ़ी बढ़िया लगा इस फ़ोन का। और दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M01 के अंदर मुझे एक और बात अच्छी लगी कि इसके अंदर आपको L1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी सारे फ़ोनों के अंदर हमें देखने को नहीं भी मिलता है, और काफ़ी सारे फ़ोनों के अंदर देखने को मिल भी जाता है। तो दोस्तों यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि सैमसंग गैलेक्सी M01 के अंदर आपको वाइड वर्ल्ड L1 का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसके ज़रिए आप Amazon और Netflix पे Full HD में कंटेंट देख सकते हैं, तो ये भी एक इसकी अच्छी बात है। एंड दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर के बारे में कि इसका सॉफ्टवेयर मुझे कैसा लगा। तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M01 के अंदर आपको सैमसंग का अपना UI देखने को मिलता है, जो कि One UI 2.0 है। एंड दोस्तों एंड्रॉइड वर्जन की अगर बात की जाए तो इसके अंदर आपको एंड्रॉइड वर्जन 10 देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर यहाँ सॉफ्टवेयर की अगर बात की जाए, यानी कि UI की बात की जाए, तो UI मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि सैमसंग का जो One UI 2.0 है वो एकदम से बिल्कुल क्लीन है, और इसके अंदर आपको किसी तरह का कोई भी ब्लॉटवेयर वगैरह देखने को नहीं मिलता है, और दोस्तों ये यूज़ करने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी लगेगा। तो दोस्तों इस तरह से ओवरऑल अगर देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी M01 को अगर आप गेमिंग के लिए परचेज़ करना चाहते हैं तो ये फ़ोन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं, आप केवल नॉर्मल कॉलिंग वगैरह करते हैं, तो ये फ़ोन आपके लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इसका जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। अगर दोस्तों आपको बड़े फ़ोन पसंद नहीं आते हैं तो ये फ़ोन आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों इसके अंदर मुझे क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा वो सारी की सारी बातें मैंने आपको एकदम शॉर्टकट में डिटेल्स में बता दी। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस फ़ोन को परचेस करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों इस रिव्यू को देखने के बाद आपका इस फ़ोन के बारे में क्या विचार है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आप मुझे ये भी बताइए कि क्या आप इस फ़ोन को परचेस करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। तो खैर दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को फिनिश करते हैं, और मिलते हैं ऐसी एक और मज़ेदार वीडियो के साथ।